तो दोस्तों गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो आप लोग देख सकते हो आज का वेदर, आज पूरी धुंध लगी हुई है और काफ़ी ठंडा हो चुका है आज। तो दोस्तों आज जा रहा हूँ मैं मार्केट और ये करिए हमने अपनी स्कूटी स्टार्ट। दोस्तों यहाँ पे बनाएंगे हम एक 3D दरवाज़ा, जैसे मतलब गांव में रहता था पहले खोली टाइप का। और आप लोग देख सकते हो इसको भी हमने मॉडिफाई कर दिया है, ऊपर हमने इस पर मटमैला कलर मार दिया है और नीचे हमने इस पर गेरो कर दिया और नीचे बनेंगे इस पर एपन। और ये फ्यूली वाली सीरीज में भी आधा हुई है, इसको भी हम पूरा बनाएंगे। और दोस्तों मौसम भी ख़राब हो चुका है, काफ़ी बारिश होने लगी है, बारिश की बूंदें भी आने लग गई है। और यहाँ पे हम कर रहे हैं अब दूसरी वाली छान को, साई को यहाँ पे मॉडिफाई। और इस पर पहले हम वाइट वाश मार रहे हैं, काफ़ी रफ दीवार है ये, आप लोग देख सकते हो। आजकल हमने पूरे घर यहाँ पे मॉडिफाई कर दिए हैं, जैसे अब आप देख सकते हो वहाँ पे सामने वाला घर है ये वाला, इसी टाइप से हम पूरे घरों को यहाँ पर मॉडिफाई करेंगे और ये घर भी अभी मॉडिफाई होगा। और यहाँ पे भैंस भी बंधी हुई है बाहर पे और इस पर वाइट वॉश हो गया है। और बारिश की बूंद भी काफ़ी तेज़ होने लग गई है, काफ़ी तेज़ बारिश होने लग गई है। और मुझे लगता है कि अभी हमें काम में स्टॉप करना पड़ेगा। दोस्तों अभी ले जा रहा हूँ मैं अपने आर्टिस्टों के लिए चाय और पानी साथ में, आज ये देख के भी आऊँगा कि उन्होंने कितना काम किया है और किस किस साइड में कितना काम हुआ है। दोस्तों मेरा ज़्यादा काम यही है, सबको काम बताना और सबको अलग अलग दीवारें दिखानी। आप देख सकते हो अभी इस पर भी बनेगा, अभी मैंने ये कराया अभी तक। और आप लोग देख सकते हो उधर सारी गौशालाएँ जितनी भी है सब पे हमने एपन और मिट्टी वाला मटमैला कलर कर दिया है, जैसे पहले घरों में होते थे। और दोस्तों रात भी पड़ने वाली है और बारिश लगातार थोड़ा थोड़ा करके हुई रही है। और ये हमारी चाय हो गई है पूरी, अभी थोड़ी थोड़ी रह रखी है। आप लोग कुछ बोलोगे? मजा आ रहा है। We want more चाय। ये दीपू जी, जी हमारा फोकस आप पे, आप कुछ बोलना चाहोगे? बहुत बहुत लागनो, बहुत बहुत लागनो, धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आमा जी। चाय अभी तो पी ली। पियो पियो फिर बताओ, फटाफट पियो, गर्म पियो पियो। और दीपू जी कैसी हो रही चाय? लाजवाब। अभी सब लोग अलग अलग साइड पे काम कर रहे हैं, ये कामनी और हिमांशु और ने ये वाला किया है अभी तो इस, अभी आएगा कैमरा उधर भी आएगा। तो ये वाला इन्होंने किया, आयान भाई नीचे कर रहे हैं, दीपू भी नीचे भाई हैं। देखो इन्होंने उठा रखा डंडा, हिमांशु भाई क्यों उठा रखा? बंदर आ रहे। तो आप क्या करोगे इससे? भगाओगे बंदरों को? बाडी जी, दादी जी भाई, और ये बांदरों से बच के रहा बहुत ज्यादा है। ये मैं ओने लगे से देखा कने बचनो बिल करा छे ना, एक मुई आ तुम देखे नहीं आई हो क्या? हमार गांव में ना एक ये दादी बांदरन खैचे हाथ भर रहा, इन्हें पिट दी दिन बांदरों के भाई। और तब ये तो क्या था ओना नहीं से या बिर कहता या कोई मुद्दा था ऐसे सके? हां ना आप बच के रहना इनसे। वैसे खैर अभी तो आज तो हम है, खैर वैसे हिमांशु यहाँ पे चौकीदारी कर रहा है। और आज दादी का गेहूं डाले सुखोना, लेकिन ये बांदर बहुत ज्यादा परेशान है दादी का ना, दिखाना है हिमांशु बांदर तो फंडा है। और अभी जन आप देखना ये बहुत प्यारो घर छा, अब हमने पर रंग करनी और बहुत सुंदर बनो रंग कर गई, आपने दिखाना हो बहुत सुंदर छा, ये दिख लिया आप भी बहुत प्यारो घर छा।
क्यों कि गटो ना तो वो डाल दे तो फिर कद बते हैं और हम भी एक मजे पेंटिंग करना है लेकिन यो बांदरो मगन बचन पड़ल भाई बहुत बेकार बांदर था। ये हमारे आर्टिस्टों ने यहाँ पे आज सुबह से किया ये वाला काफ़ी अच्छा एपन का डिज़ाइन है। यहाँ पे काम करना काफ़ी रिस्की था क्योंकि यहाँ ऊपर से कंडाली है और नीचे यहाँ पे जो धारा है मैं आपको ज़रूर बताता हूँ ये धारा है जो इसके ऊपर इन्होंने आज यहाँ पे की है और दोस्तों काफ़ी यहाँ पे सांस फूलती है इस चढ़ाई पे। नीचे से हम आते आते यहाँ और ये ऊपर ही ऊपर हमारे आगे हिमांशु भाई जा रहे हैं ये भी ले जा रहे हैं अभी आर्टिस्टों के लिए चाय। और दोस्तों इधर की साइड है रोड और मतलब रोड से आधा गांव नीचे है आधा गांव ऊपर है और अभी हमको और ऊपर जाना है। तो दोस्तों जैसे मैं आपको रोज़ दिखा रहा हूँ यह वाली पेंटिंग भी पूरी हो चुकी है और इसका भी बैकग्राउंड बन रहा है और उधर से एक पहाड़ी घर बन रहा है तो इसके साथ साथ अभी इसके पूरे मकान पे अभी होगा यहाँ पे इधर से बैकग्राउंड और इसके साथ कुछ कल्चरी थीम कल्चर से रिलेटिव जो थीम होगी उसको हम मिलाएंगे। और दोस्तों आप देख सकते हो इतने नीचे से आए हम अभी और अभी हमने जाना है ऊपर और यहाँ पे दीपू ने भी बना दिया है ये वाला ये लगभग मुझे लगता है कि 80% हो चुका है। कल तो दीपू बोल रहा था कि 70% हो चुका है पर मुझे लग रहा है कि अब ये 20% और बचा है 80 इसमें हो गया है पूरा और इसमें पूरा 3D इफेक्ट आ रहा है ये दीपू ने बनाया है रामनगर के चित्रकार हैं हमारे साथ। तो दोस्तों अब जा रहा हूँ मैं दूसरी जगह पे जहाँ पे पेंटिंग हो रही है और यहाँ पे मुकुल भाई बना रहे हैं सारे आर्टिस्टों की टीम यहीं पे हमारी ये हमारी श्रेयस जी है और ये हमारी कामनी जी है। कामनी जी हेलो करो दीपू और यहाँ पे आयान भाई और यहाँ पे काफ़ी लोग दिख रहे भी आए। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे रमान वाली पेंटिंग भी लगभग पूरी हो चुकी है और सारे आर्टिस्ट यहीं पे और बारिश हो रही है इसलिए सबने ऊपर से ये लगाया हुआ है ये तिरपाल लगाया हुआ है और काफ़ी रात वाला माहौल हो चुका है रात होने वाली है और ये हमारी बड़ी जी भी देख रही है ऊपर से इनके घर में पेंटिंग बन रही है। और दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे और दोस्तों जो हमारी गर्ल्स वाली टीम है आज इन्होंने बनाया ये वाला ये मंडाला का डिजाइन है मंडाला आर्ट का और अब लगा रहा हूँ मैं लाइट क्योंकि यहाँ पे अंधेरा हो चुका है उससे पहले पहले मुझे लाइट लगानी है यहाँ पे ताकि यहाँ पे काम होता रहे एक दो घंटे। और दोस्तों तार मैंने नीचे कर दी है लाइट भी हो चुकी है फिट और दीपू बोला कि नहीं जल रहा है जल क्यों नहीं रहा है तार तो सही है। यहाँ पे हमारे आर्टिस्ट लोग पी रहे हैं चाय और तो दिन भर हमारे आर्टिस्ट यहाँ पे चाय पीते रहते हैं क्योंकि काफ़ी ठंडा है और यहाँ पे मुकुल भाई भी लगे हैं। दोस्तों अंधेरा हो चुका है साथ तो नहीं दिख पाएगा और यहाँ पे रमान का जो सीन है वो लगभग पूरा बन चुका है और यहाँ पे मिक्सिंग कर रहे हैं। हेलो मुकुल भाई हेलो बोलो कुछ ठंडा गर्म कैसा हो रहा है यहाँ पे? ठंडा तो मीडियम ठंडा लग रहा है क्योंकि हम अच्छे से पैक कर रखे हैं। अच्छा हमारे टीम वाले जितने भी लोग हैं दीपू और मुझे छोड़ दिए सबकी हालत खराब हो रही है। अच्छा शायद दीपू पे भी आपके गुण आ गए हैं थोड़ा थोड़ा दिन भर काम करने वाले। और जो ये तिरपाल है ये कब लगाया आपने यहाँ पे? तिरपाल तो मैंने कब का लगा दिया इसको तो 2-2.5 घंटे हो गए लगाए हुए। अच्छा बारिश तेज हुई थी ना बीच में? बारिश अब तेज हुई थी तो लगाया था मैंने। अच्छा काम कर पा रहा हूँ क्योंकि मुझे इस पेंटिंग में आज काफी दिन लग गए हैं। अच्छा क्योंकि व्यस्तता बहुत ज्यादा थी दिन भर इधर उधर भागना पड़ रहा था कल परसों में। अच्छा तो आज मेरा वो है ठान रखा है कि वाली पेंटिंग आज तो चलो पहले चाय पी लो पहले। हाँ जी पीते हैं चलो। ओके दीपू कच्छा और तो यहाँ पे हो रही है अभी भी पेंटिंग और रात की बज चुकी है 10। तो दोस्तों यहाँ पे मुकुल भाई लगे हैं अभी यहाँ पे रमाड़ बनाया जा रहा है पूरा।